हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही मेथी की पूरी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दही मेथी की पूरी बनाने की सामग्री है 1.5 कप आटा, 1 कप मेथी का पत्ता है जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, आधा कप दही, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, 2 बड़ा चम्मच तेल, पानी और पूरी तलने के लिए तेल। बाउल में आटा डालेंगे, मेथी डालेंगे, दही डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे, नमक डालेंगे, कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे इस तरह से। 1 चम्मच तेल डालेंगे, 1 चम्मच तेल बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिलाएंगे और डो तैयार करेंगे। सारी सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। और डो बनाएंगे, थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। सख्त डो हमने बना लिया है। अब इसमें हम बचा हुआ तेल डालेंगे और चिकना कर लेंगे। डो को हमने चिकना कर लिया है। अब हम डो को 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। सेट होने के बाद पूरी बनाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम पूरी के लिए छोटी छोटी लोई बनाएंगे इस तरह से। इसी में से हम एक लोई बनाएंगे, चकले पे रखेंगे और पूरी बनाएंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को बेलकर तैयार करेंगे और तेल में तलेंगे। पूरी तलने के लिए हमने तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। आंच को मीडियम रखेंगे और पूरियों को तलेंगे। पूरी को हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पूरियों को तलेंगे। दही मेथी की पूरी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।